बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। लाइब्रेरी वॉइस के नॉवेल देवी में आप सबको खुशामदीद। वीडियो की तरफ आने से पहले लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी ऑडियंस से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवेल देवी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। शानी के दिन अजब बेचैनी में गुजर रहे थे। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके आने के बाद पिंडी में क्या हालात पेश आए हैं, रुस्तम कहाँ है और क्या कर रहा है, रुस्तम और नादिया वाले मामले ने क्या रुख अख्तियार किया है, पिंडी पुलिस और रुस्तम के संगीन कशमकश किस नतीजे पर पहुंची है, उसे कुछ मालूम नहीं था। वो गाहे बगाहे अखबार भी देखती रहती थी कि शायद उसे रुस्तम या उसके दोस्त जवार के हवाले से कोई खबर नजर आ जाए। पिंडी में पुलिस के साथ झड़प के दौरान में एक पुलिस अहलकार शदीद जख्मी हुआ था। शानी को जो आखिरी इत्तला मिली थी उसके मुताबिक जख्मी की हालत खतरे में थी। अगर वो शख्स खुदा न ख्वास्ता मर गया तो फिर रुस्तम के गिर्द पुलिस का घेराव मजीद तंग होना था। रावलपिंडी की तरह शानी को अपनी जन्मभूमि रंगबली की भी कोई खबर नहीं थी। रंगबली और उसके साथ साथ नारपुर के सारे हालात तारीकी के पर्दे में थे। कासिम बरलास हर तीसरे चौथे रोज़ अंकल उस्मानी के घर का चक्कर लगा रहा था। वो जब तक मौजूद रहता शानी की जान जैसे शिकंजे में होती थी। शानी को ना चाहने के बावजूद अक्सर उसके सामने भी जाना पड़ता था। उसने बज़ाहिर तो कोई गैर शाइस्ता बात या हरकत नहीं की थी, लेकिन उसकी हर दम ताकुब करने वाली पुरतपिश नज़रें शानी के लिए बातों और हरकतों से ज़्यादा तकलीफ दे थीं। गाहे बगाहे वो कोई जूम आईनी फिक्रा भी शानी के कानों में डाल देता था। एक रोज़ वो सफ़ेद बुराक शलवार कमीज़ पहनकर आया था। खाना खाते हुए वो मुसलसल बातें भी कर रहा था। इस दौरान में आंटी माजदा सालन का डोंगा लिए हुए अंदर आई। कासिम की मौजूदगी में वो भी अंकल की तरह बहुत नर्वस रहती थी। सालन मेज़ पर रखते हुए आंटी का हाथ हिल गया और थोड़ा सा सालन छलक कर कासिम के सफ़ेद कमीज़ पर गिर पड़ा। कासिम का चेहरा सुर्ख हो गया। एक लम्हे के लिए तो लगा कि वो अफसराना लबो लहजे में आंटी पर बरस पड़ेगा, मगर फिर उसने खुद को एकदम पुरसकून कर लिया और अपने बेकना चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजा ली। गालिबन ऐसा शानी की मौजूदगी के सबब ही हुआ था। सालन गिरने के बाद कासिम उठ खड़ा हुआ और अब वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। उसका मतमय नज़र समझते हुए शानी ने कहा, आइए मैं कमीज़ का किनारा धो देती हूँ। कासिम तो पहले ही इस किस्म की सिचुएशन का मुतलाशी रहता था। वो शानी के साथ वॉशरूम के बेसन के सामने खड़ा हो गया। शानी वॉश बेसन पर झुककर कासिम के कमीज़ के किनारे को साबुन लगाने लगी। कासिम की निगाहें शानी के गिरेबान में अटकी हुई थी। उसका जिस्म शानी के पहलू से मस हो रहा था, या शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। शानी ने महसूस किया कि उसकी भारी भरकम सांस ज़ीरो ज़बर है। बामुश्किल ये मरहला तय हुआ और वो डाइनिंग टेबल पर वापस आए। शुरू के दिनों में कासिम बरलास ने शानी की मुलाजमत का जिक्र बड़ी शदोमद से किया था, मगर अब वो इस सिलसिले में कुछ ढीला पड़ता हुआ नज़र आता था। पता नहीं इसकी वजह क्या थी। दो तीन रोज़ मजीद गुजरे और फिर उसकी वजह शानी को मालूम हो गई। वो इतवार का दिन था। अंकल उस्मानी घर में ही थे। इस्लामाबाद से अफशानी मिलने के लिए आना था, लेकिन बावजह उसका प्रोग्राम चंद दिन आगे चला गया था। 10 बजे नाश्ता करने के बाद अंकल स्टडी रूम में चले गए। कुछ देर बाद मुलाजिम लड़के शाहिद ने कहा, बाजी जान अंकल आपको बुला रहे हैं। शानी स्टडी में पहुंची तो वो कोई अहम बात करने के मूड में नज़र आए। थोड़ी सी तमहीद बांधने के बाद अंकल ने शफकत भरे लहजे में कहा, शानी बेटा तुम थोड़े ही अरसे में अपने बच्चों की तरह लगने लगी हो। तुम्हारे बारे में बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ जिस तरह आसमा और अफशां के बारे में सोचा करता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन दोनों के बारे में सब कुछ जानता था, मगर तुम्हारे बारे में नहीं जानता। यही वजह है कि तुम्हारे बारे में और तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए मुझ में ज़्यादा एतमाद नहीं होता। उन्होंने चंद लम्हे खामोश रहकर शानी के रद्द अमल का अंदाज़ा लगाया, फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोले, मैं तुम्हें किसी भी हवाले से मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। शानी बेटा, अगर तुम किसी वजह से अपने माजी को पर्दे में रख रही हो तो ये तुम्हारा हक है। मेरे लिए ये काफ़ी है कि तुम अच्छी सोच रखती हो, तुम्हारी फितरत नेक है और तुम किसी नेक माँ की बेटी हो। एक आकिलो बालिग लड़की होने की हैसियत से अपनी ज़िंदगी के मसलों के बारे में फ़ैसला करना तुम्हारा हक है और तुम पूरी आज़ादी के साथ ऐसा कर सकती हो। इसके बावजूद मेरी तरफ से तुम्हें एक बार फिर मुखलिसाना पेशकश है कि अगर तुम अपने वारिसों के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं इस सिलसिले में हर तरह तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अपनी बात ख़त्म करके अंकल उस्मानी सवालिया नज़रों से शानी को देखने लगे। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा,
नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें कहीं खो बैठी हो और अब उन्हें तलाश करना चाहती हो? नहीं अंकल, ये बात भी नहीं। बस मैं वापस लौटना ही नहीं चाहती। अगर मैं आप पर बोझ, बस बस आगे कुछ मत कहना। अंकल ने जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ऐसी बात दिमाग में भी नहीं लाना। तुम हमारी बेटी हो और बेटी बोझ नहीं होती। कुछ देर तक स्टडी रूम में गहरी खामोशी रही। शानी की बलोरी आंखों में नमी तैर रही थी। अंकल भी बिल्कुल खामोश थे। एक तवील वक्फे के बाद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, शानी बेटा, कासिम यहाँ आता रहता है। मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूँ। देखने में सख्त लगता है लेकिन दिल का ऐसा नहीं है। हर बंदे में खामियां और खूबियां होती हैं। परखने की बात यह होती है कि मजमूई तौर पर बंदा कैसा है। कासिम ने परसों मुझसे एक बात कही है। शुरू में तो मुझे भी ये बात अजीब लगी थी, मगर अब दो दिन तक गौर किया है तो ये कुछ ऐसी अजीब भी नहीं लग रही। आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? शानी ने धड़कते दिल के साथ पूछा। अंकल उस्मानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शानी बेटा, कासिम तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। शानी सुन होकर रह गई। उसने कुछ कहना चाहा, मगर जबान ने साथ नहीं दिया। उसका चेहरा देखकर अंकल उस्मानी जल्दी से बोले, मैंने तुम्हें सिर्फ वो बात बताई है जो कासिम ने मुझसे कही है। इसमें मेरी किसी तरह की राय शामिल नहीं है। इसी दौरान में फ़ोन की बेल बजने लगी। शानी की बात मुंह में ही रह गई और वो फ़ोन सुनने के लिए उठ गई। दूसरी तरफ अफशां थी। वो इस्लामाबाद से बोल रही थी और पापा मम्मी से बात करना चाहती थी। शानी और अंकल उस्मानी की गुफ्तगु वहीं की वहीं रह गई। बहरहाल अब शानी की समझ में ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि कासिम साहब ने अब उसकी सर्विस की बात करना क्यों छोड़ दी है। अगले रोज़ आंटी माजदा के साथ भी इस हवाले से शानी की बात हुई। आंटी माजदा भी जानती थी कि तीन रोज़ पहले कासिम बरलास ने किस ख्वाहिश का इजहार किया है। आंटी माजदा ने इस बारे में गैर जानबदारी से बात की। उन्होंने शानी को बताया कि कासिम बरलास से उसकी बीवी ने 7-8 साल पहले खुला ले लिया था। उसकी 2 बच्चियाँ भी हैं जो बीवी के पास हैं। शादी ख़त्म होने में दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कसूर था। ज़्यादा कसूर शायद कासिम का ही था। वो उन दिनों कुछ ज़्यादा ही सख्त गिर था। बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज में ठहराव आता जा रहा है। बाप की तरफ से उसे काफ़ी जायदाद मिली हुई है। खुद भी ठीक ठाक कमाता है और दूसरों पर खर्च भी करता है। खुले दिल का मालिक है। यहाँ तक बताकर आंटी माजदा कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, अपनी ज़िंदगी के बारे में जितना बेहतर तुम खुद सोच सकती हो कोई और नहीं सोच सकता। जहाँ तक कासिम की बात है, वो तुम्हारे जोड़ का तो नहीं है, उम्र के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा मुझे तुम्हारे दिल का भी पता नहीं। क्या खबर, तुमने क्या सोच रखा है? बहरहाल बड़ी होने की हैसियत से मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगी। शादी करना किसी ऐसे मर्द से जो तुम्हें चाहता हो और मांगता हो, ना कि ऐसा मर्द जिसे तुम चाहती और मांगती हो। आंटी इस मौजू पर काफ़ी देर तक बात करती रहीं। शानी ने उनकी 1-2 बातों के जवाब भी दिए। इन जवाबात ने यकीनन आंटी को समझा दिया था कि वो फिलवक्त शादी वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। बहरहाल आंटी ने कासिम के बारे में मुतवाजन और बेलाग बातें की थीं। उसकी शख्सियत के अच्छे और बुरे दोनों पहलू वजाहत से बयान कर दिए थे। अभी शानी और आंटी माजदा में बात हो ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मुलाजिम लड़के शाहिद ने गेट के ऊपर से बाहर झांका और आंटी के पास आकर बोला, लंबों की अम्मी आई हैं। लंबों की अम्मी की इस्तलाह शानी ने पहले भी सुनी थी। मोहल्ले में 3-4 लंबे भाई थे। उनकी वालिदा का नाम लंबों की अम्मी पड़ गया था। लंबों की अम्मी का जिक्र सुनकर आंटी ने शानी को फौरन अंदर चले जाने को कहा। लगता था कि वो उस औरत को ज़्यादा पसंद नहीं करती। एक दिन पहले भी ये औरत एक दूसरी औरत के साथ आई थी तो आंटी ने शानी को कमरे के अंदर ही रहने के लिए कहा था। ये काफ़ी बातूनी औरत लगती थी। बातें करते हुए उसकी आँखें चारों तरफ गर्दिश करती रहती थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, खोज रही हो। गालिबन आंटी माजदा को भी उसकी तरफ से यही अंदेशा था कि वो ख्वाह-मख्वाह शानी वाले मामले को कुरेदने की कोशिश करेगी और उल्टे सीधे सवाल दागना शुरू कर देगी। और आंटी माजदा इस फैशनेबल औरत से सहन में ही खड़े होकर बातें करने लगी। बाद अजा पता चला कि वो आंटी माजदा से उनके छीने जाने वाले पर्स का अफसोस करने आई थी। ये 2 रोज़ बाद का वाकया है। फ़ोन की घंटी बजने पर शानी ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक अजनबी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो कोई बड़ी उम्र की औरत है। उसने कहा, शानी तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुमसे एक ख़ास बात करना चाहती हूँ। ये ऐसी बात है जो तुम्हें एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। मैं आपका मतलब नहीं समझी, आप हैं कौन? देखो मैं फ़ोन पर तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकती। ज़्यादा जानने के लिए तुम्हें मुझे घर से बाहर मिलना होगा,
लेकिन ऐसा करते हुए ये एहतियात रहे कि तुम्हारी आंटी माजदा या अंकल को खबर ना हो। अगर उन्हें खबर हो गई तो समझो सब चौपट हो जाएगा। शानी को औरत के लहजे में हमदर्दी और अपनायत की झलक मिली। एक लम्हे के लिए तो उसके जहन में आया, कहीं ये वही फैशनेबल औरत तो नहीं जो दो रोज पहले भी घर में आई थी। आवाज़ भी मिलती जुलती ही लग रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिल चाहा कि औरत की बात सुने, लेकिन कैसे? वो कह रही थी कि तफसील जानने के लिए उसे घर से बाहर मिलना होगा। वो जब से यहाँ आई थी उसने चार दीवारी से बाहर कदम नहीं निकाला था, बल्कि वो तो सहन में भी ज़्यादा नहीं जाती थी। शायद इसकी वजह ये थी कि उन तीन आवारा गर्दों के दरमियान घिरने के बाद और शदीद जहनी अजियत का शिकार होने के बाद उसका एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ था। क्या सोच रही हो बेटी? फ़ोन पर उभरने वाली आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कुछ नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप इस बातचीत को अंकल और आंटी से छुपाने का क्यों कह रही हैं। उनके इल्म में लाए बगैर मैं घर से कैसे निकल सकती हूँ, और वो ऐसी क्या बात है जो उनसे छुपाना ज़रूरी है? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर खातून की आवाज़ एयरपीस में उभरी। अगर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो तो फिर एक और काम करो, रात को 10 बजे के बाद अपने घर की छत पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ नज़र आ जाऊँगी। इसका मतलब है कि आप अड़ोस पड़ोस के किसी घर से बात कर रही हैं, चलो ऐसा ही समझ लो। लेकिन देखो, मैं फिर तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैंने तुम्हें कितनी बड़ी परेशानी से बचाया है। इसे मेरी इल्तिजा समझ लो कि अभी अपनी आंटी और अंकल को मेरे फ़ोन के बारे में कुछ ना बताना। शानी ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है आंटी, मैं आपकी बात सुनने आ जाऊंगी, लेकिन आप होंगी कहाँ? खातून का लहजा कुछ और धीमा और राजदाराना हो गया। कहने लगी, तुम्हारे घर के पिछवाड़े जो कोठी है वो हमारी है, हमारी छतों का थोड़ा सा हिस्सा आपस में मिला हुआ है, तुम ऊपर आओगी तो पता चल जाएगा, लेकिन एक एहतियात रखना, छत पर आकर बरसाती का दरवाज़ा छत की तरफ से बंद कर लेना। मैं नहीं चाहती कि माजदा तुम्हें ढूंढती हुई ऊपर आ जाए और देख ले। शानी ने बंद होंठों से ये आवाज़ निकालकर असबात में जवाब दिया। तो ठीक है, 10 बजे के बाद छत पर। खातून ने फ़ोन बंद करने से पहले फिर ताकीद की। रात 10 बजे तक का वक्त शानी ने बड़ी मुश्किल से काटा। उसका दिमाग घुड़दौड़ का मैदान बना हुआ था। कई तरह के वसवसे जहन में सर उठा रहे थे। ना मालूम आंटी की बात मानकर कहीं वो अपने लिए कोई मुसीबत ही खड़ी ना कर ले। अगर वो बरसाती का दरवाज़ा छत की तरफ से बंद करके अगली हिस्से की तरफ जाती और वहाँ तारीकी में कोई छुपा होता तो कुछ भी हो सकता था। रात 10 बजे के बाद इर्द गिर्द काफ़ी खामोशी होती थी। वैसे भी अब सर्दी बढ़ गई थी और लोग कमरों में दुबकना शुरू हो गए थे। फिर उसे औरत के लहजे में मौजूद हमदर्दी और अपनायत की लहर याद आई, और वो अल्फाज याद आए जिनमें उसने ताकीद की थी। वो सोचने लगी, ये ज़रूरी तो नहीं कि वो औरत कोई ऐसी बात कहे जो अंकल और आंटी के खिलाफ जाती हो। मुमकिन है कि वो बात शानी के साथ साथ अंकल और आंटी के फ़ायदे में भी हो। कोई ऐसी राय, कोई ऐसा मशवरा जिससे अंकल और आंटी के मसाइल कम होने की उम्मीद पैदा हो। उसने फैसला किया कि वो छत पर ज़रूर जाएगी। 10:30 बजे के लगभग जब अंकल, आंटी और शाहिद सोने के लिए लेट चुके थे, शानी दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर पहुंच गई। सर्दी से बचने के लिए उसने वो दबेज शॉल लपेट रखी थी जो चंद ही दिन पहले अंकल ने उसे लाकर दी थी। छत पर जाकर वो सोचने लगी कि दरवाज़ा अपनी तरफ से बंद करे या नहीं। अगर वो दरवाज़ा अपनी तरफ से बंद कर देती और इत्तफाकन आंटी या अंकल में से कोई ऊपर आ जाता तो वो ज़रूर पूछता कि उसने छत की तरफ से दरवाज़ा बंद क्यों किया है। अगर दरवाज़ा खुला होता तो तश्वीश की बात नहीं थी। वो कह सकती थी कि छत पर टहलने के लिए आई है। वो कुछ देर अधेड़ बन में रही, फिर उसने नामालूम आंटी की हिदायत पर अमल करना मुनासिब समझा और दरवाज़ा अपनी तरफ से बंद कर दिया। धड़कते दिल के साथ उसने छत के अगली हिस्से की तरफ निगाह दौड़ाई। करीबी छत की तकरीबन 5 फुट ऊंची मुंडेर पर उसे एक सर हरकत करता हुआ नजर आया। यकीनन ये किसी औरत का सर था। शानी मोहतात कदमों से मुंडेर के करीब चली गई। डरो मत, आगे आ जाओ, औरत ने दबी आवाज़ में कहा। वो साथ वाली छत पर थी। शानी करीब पहुंची और उसने पहचान लिया, ये तरशे हुए बालों वाली वही औरत थी जिसे लम्बों की अम्मी कहा जाता था। वो खुद भी खासी दराज कद थी। मुंडेर के ऊपर से वो बआसानी शानी की तरफ देख रही थी। आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? शानी ने अपनी लर्जिश पर काबू पाते हुए पूछा। असल बात शुरू करने से पहले आंटी ने अपना मुख्तसर तारुफ कराया। उनका नाम अर्जुमंद बेगम था। वो अपने शोहर और बच्चों के साथ अरसा 8 साल से इस घर में मुकीम थी और अंकल उस्मानी और आंटी माजदा को बाखूबी जानती थी। अपना तारुफ कराने के बाद अर्जुमंद बेगम ने शानी से पूछा, तुम कहाँ से आई हो बेटी, और उस्मानी के घर में कैसे हो?
शानी ने सवाल का जवाब पहले ही सोच रखा था और ये वही जवाब था जो उसने इससे बेशतर अंकल और आंटी को भी दिया था। यानी वो गुजर खान से आई है। वालिदा काफ़ी अरसा पहले फोत हो गई थी, फिर एक भाई भी हादसे में छिन गया, इसके बाद वालिद का साथ छूटा। अब जो अजीज़ हैं वो उनके पास रहना नहीं चाहती, वो पढ़ी लिखी है, कोई मुनासिब मुलाजमत करके अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। अर्जुमंद बेगम ने पूछा कि उस्मानी साहब और माजदा से उसका राबता क्यों कर हुआ। शानी ने मसलिहत के तहत कहा कि वो उन्हें काफ़ी अरसे से जानती है। अर्जुमंद बेगम फ़ौरन बोली, बेटी मेरा नहीं ख्याल कि तुम इन्हें काफ़ी अरसे से जानती हो, आप क्या कहना चाहती हैं। अर्जुमंद बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है कि कासिम बरलास नाम का जो बंदा उस्मानी के पास आता जाता है वो कौन है? वो महकमे का कोई अफसर है। महकमे का अफसर तो वो है, लेकिन उस्मानी के पास इसलिए आता है कि उसके हाथ में उस्मानी की दुखती रग है। वो गबन के उस केस की इंक्वायरी कर रहा है जिसके बड़े मुलजिम उस्मानी साहब हैं। मुझे इस बारे में आंटी माजदा ने बताया था, मगर उसने वो कुछ नहीं बताया होगा जो उसे बताना चाहिए था। अर्जुमंद बेगम ने कहा, मैं आपकी बात समझी नहीं। उस्मानी पर जो केस बना वो 100% दुरुस्त है। शानी कुछ देर के लिए हैरान रह गई, फिर संभल कर बोली, आप ये कैसे कह सकती हैं? ये मैं ही नहीं कहती, सारे लोग कहते हैं, हर किसी को मालूम है कि उस्मानी ने अपनी पहली बेटी आसमा की शादी गबन के पैसे से ही की थी। बंदे की दयानतदारी का इम्तिहान तो मुश्किल में ही होता है, और जब उस्मान पर मुश्किल आई तो वो परले दर्जे का बददयानत और बेईमान साबित हुआ। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर तार चोरी किए और महकमे को 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पहुँचाया। आप अंकल उस्मानी की किस मुश्किल की बात कर रही हैं? उस्मानी ने जहाँ बेटी का रिश्ता किया था वो भी उस्मानी ही की तरह लालची लोग थे, नामो नमूद और दौलत के पुजारी। उन्होंने उस्मानी से ना सिर्फ भारी जहेज का मुतालबा किया बल्कि ये शर्त भी आयद कर दी थी कि वो दामाद को बैरून मुल्क भिजवाने में मदद करेंगे। उस्मानी को अपने दामाद से गैर मामूली फ़ायदे की तवक्को थी, इसलिए वो गैर मामूली रिस्क उठाने को तैयार हो गया। उसने दामाद की खातिर गबन किया, यूं वो दामाद को हासिल करने में कामयाब भी रहा, लेकिन दामाद से उसकी जो तौकात थी वो पूरी नहीं हुई। दामाद बेटी के साथ मगरबी जर्मनी उड़नछू हो गया और उस्मानी यहाँ चोरी के केस में फंस गया। ये कासिम बरलास उसी केस की निशानी है। अचानक शानी को याद आया कि उसने कासिम बरलास के मुँह से अफशां का नाम सुना था। अफशां का इस मामले में क्या किरदार हो सकता था? जब शानी ने यह सवाल अर्जुमंद बेगम से किया तो उसका जवाब उसे हसबे तौका मिला। अर्जुमंद बेगम ने अपना राजदाराना लहजा बरकरार रखते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगी साफ दिली से बताऊंगी, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं समझती हूँ कि उस्मानी बददियानत ही नहीं बड़ी हद तक बेगैरत भी है। जब इस पर कासिम बरलास इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुआ तो इसने उसे नए तरीके से फांसने की कोशिश की। ये अपनी छोटी बेटी अफशां को सामने ले आया। यहाँ उस्मानी के पास कासिम का आना जाना शुरू हो गया, रोज़ दावतें होने लगीं। हम सब कुछ देखते थे। कासिम की गाड़ी कई कई घंटे उस्मानी के गेट के सामने खड़ी रहती थी। पहली बीवी से तलाक के बाद कासिम की शादी नहीं हो सकी थी, वो किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में था। इन मियाँ बीवी ने कासिम को ऐसे इशारे दिए जिससे उसने समझना शुरू कर दिया कि ये अफशां का हाथ तो उसके हाथ में पकड़ा देंगे। इस आड़ में ये दोनों कासिम से पैसे भी खाते रहे। इसके अलावा उस्मानी ने अपने एक भतीजे को भी महकमे में मुलाजिम करवाया। ये बड़ी लंबी कहानी है, सुनाने बैठूंगी तो यहाँ छत पर ही रात गुजर जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये कि जब गबन का केस ठंडा पड़ गया और दूसरे दफ्तरी मामले भी हल हो गए तो इन दोनों मियाँ बीवी ने कासिम की तरफ से आंखें फेर ली। वो उसे ये बावर कराने की कोशिश करने लगे कि लड़की की उम्र कम है, वो अभी और पढ़ना चाहती है, अभी शादी का इरादा नहीं रखती, वगैरह वगैरह। दरअसल उन्होंने अफशां के लिए अफशां के एक क्लास फेलो का रिश्ता ढूंढ लिया था और अब कासिम से टाल मटोल कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने आनन फानन अफशां की शादी भी कर दी। इस्लामाबाद से बारात आई और वह दुल्हन बनकर ये जा वो जा हो गई। जाहिर है कि वो उनकी लाडली बेटी थी, वो एक पक्की उम्र के लंबे चौड़े भूत के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला कैसे कर सकते थे? लेकिन बेटी, सोचने की बात यह है कि उस्मानी और माजदा ने यह बात तब क्यों ना सोची जब वो बेटी को उसके सामने चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से रात के 1 बजे के करीब अफशां को घर के सामने कासिम की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब उस्मानी गबन केस में बुरी तरह जकड़ा हुआ था और जनाब को जान के लाले पड़े हुए थे। अर्जुमंद बेगम ने चंद हमें तौकफ करने के बाद कहा, अफशां की शादी अभी कोई 2-3 महीने पहले ही हुई है, तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि उस शादी का असर कासिम बरलास पर क्या हुआ होगा। वो आजकल सख्त गुस्से में है और सुना है कि उसके इरादे उस्मानी के लिए अच्छे नहीं हैं। वो बार बार उस्मानी के दरवाजे पर भी आ रहा है। क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है? 1-2 दफ़ा,
शानी ने मुख्तसर जवाब दिया। अर्जुमंद बेगम ने उसके जवाब को नज़रअंदाज करते हुए कहा, पता चला है कि उस्मानी को केस रीओपन होने की धमकी मिली है। इसके अलावा उसके भतीजे की मुलाजमत भी शदीद खतरे में पड़ गई है। ये सारे हालात एक ख़ास सिमत में इशारा कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि तुम समझदार हो, तुम्हें इन हालात को समझ जाना चाहिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि अंकल? शानी कोशिश के बावजूद फिक्र मुकम्मल ना कर सकी। अर्जुमंद बेगम ने सितारों की मध्यम रोशनी में ध्यान से शानी का चेहरा देखा और जज्बाती लहजे में बोली, बेटी जहाँ तक मैंने सूरत हाल को परखा है, मेरा अंदाज़ा यही है कि उस्मानी से तुम्हारी मुलाकात कहीं इत्तफाकन हुई है। तुम्हें सहारे की ज़रूरत थी और तुमने उस्मानी की ज़ाहरी हालत और उसकी बातों से धोखा खाकर उसे अपना सहारा समझ लिया। तुम्हें मालूम नहीं था कि जिस तरह तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, इसी तरह उस खर्रांड को भी एक अच्छी शक्ल की जवान लड़की की ज़रूरत है। कोई ऐसी लड़की जिसे ही अपनी लाडली बेटी की जगह कासिम बरलास की भेंट चढ़ा सके। तुम्हें पता नहीं है बेटी कि इस उस्मानी के अंदर का चेहरा कितना मकरूह है। मुझे पता है कि इसने तुम्हें बड़े लाड से रखा हुआ है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन ये वैसे ही चाव चौंचले हैं जो हम कुर्बानी के बकरे के साथ करते हैं। बिलाखिर हमने उसके गले पर छुरी चलाना होती है। ये भी कासिम बरलास के हाथों तुम्हारे गले पर छुरी चलवाएगा। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कितनी प्यारी, कितनी मनमोहनी हो, पता नहीं किस माँ के जिगर का टुकड़ा हो। ये कासिम बरलास भूत बनकर तुम्हारी ज़िंदगी को चिमट जाएगा और बर्बाद कर देगा। अर्जुमंद बेगम ने ज़रा तामुल करके अपनी गर्म शॉल कंधों पर मजबूती से जमाई और बोली, उस्मानी या माजिदा ने तुमसे शादी वगैरह की बात तो नहीं की? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कासिम के हवाले से तुम्हारा जहन बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ये दोनों? नहीं आंटी, शानी ने मसलहतन इनकार किया। अर्जुमंद बेगम ने मजबूत लहजे में कहा, अगर नहीं किया तो ये करेंगे। पहले तुम्हें प्यार मोहब्बत से अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो उंगलियां टेढ़ी कर लेंगे। इन दोनों में से किसी को अपना हमदर्द ना समझना, दोनों एक से हैं। शुरू शुरू में माजदा का जहन थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन अब वो भी उस्मानी के रंग में रंग चुकी है, बल्कि किसी वक्त तो उससे भी आगे नजर आती है। ऐसी औरत को तो माँ कहलवाने का हक भी नहीं है। माँ तो मोम की तरह होती है और ये ऐसी पत्थर है कि अपनी औलाद को जिस आग से निकाल रही है उसी आग में किसी दूसरे के जिगर का टुकड़ा डाल रही है। शानी के जहन में आंधी सी चलना शुरू हो गई थी। उसे अर्जुमंद बेगम की बातों में वजन महसूस हो रहा था। अर्जुमंद बेगम ने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, ये कासिम बरलास बड़ा मुँहज़ोर बंदा है। कोई शरीफ शख्स भी ऐसे बंदे के मुँह लगना नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, लेकिन मेरी तुम्हें यह ताकीद है कि आने वाले ख़तरे को महसूस करो। जितनी जल्दी हो सके इन फरेबी मददगारों को छोड़कर कोई और ठिकाना ढूंढ लो। आखिर कोई ना कोई जगह तो होगी जहां तुम जा सको। शानी ने मुबहिम अंदाज में सर हिलाया। अर्जुमंद बेगम ने कहा, इस काम में जितनी देर करोगी उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल होता जाएगा। बेहतर तो ये है कि... अचानक एक आवाज़ ने शानी और अर्जुमंद बेगम दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। शानी, कौन है वहाँ? ये आवाज़ आंटी माजदा की थी। बरसाती की एक साइड पर छोटी सी रोजनुमा खिड़की थी। आंटी माजदा ने वहीं से आवाज़ दी थी। अर्जुमंद बेगम ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, लो वो आ गई है। अच्छा मैं चलती हूँ। वो जल्दी से पीछे हटी और छत के अंधेरे में ओझल हो गई। शानी भी तेज़ी से बरसाती के दरवाजे की तरफ आ गई। उसका सीना बुरी तरह धक धक कर रहा था। लरसते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला। इस दौरान में आंटी माजदा ने बरसाती की लाइट जला दी थी। उनके बिखरे बालों से अंदाज़ा होता था कि वो बिस्तर से उठकर आई हैं। शानी बेटा, क्या कर रही थी वहाँ? उन्होंने फिर पूछा। कुछ नहीं आंटी, ज़रा सीने में जलन सी हो रही थी, शायद ज़्यादा खा लिया है। मैंने कहा कुछ देर छत पर घूम लूँ। आंटी माजदा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। मुझे लगा था शायद किसी से बातें कर रही हो। नहीं तो, शानी ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। दरवाज़ा भी बंद था। आंटी ने दूसरा मुतवक्के सवाल दागा। मैंने तो वैसे ही भेड़ा था, शायद खुद खटका लग गया है। आंटी माजदा के चेहरे पर उलझन थी। अंदाज़ा होता था कि उनकी पूरी तशफी नहीं हुई। बहरहाल उन्होंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो ये कहती हुई उसे नीचे ले आई कि बग़ैर बताए उसे छत पर नहीं आना चाहिए था। उस रात शानी देर तक जागती रही। दिलो दिमाग में हलचल थी। उसे रह रहकर कुछ बातें याद आ रही थी। जब से वो यहाँ आई थी, नौब्याहता अफशा ने फ़कत एक बार यहाँ कदम रखा था और वो भी सिर्फ चंद घंटों के लिए। इस दौरान में भी वो वाज़ेह तौर पर बेचैन सी रही थी। बाद अज़ां उसने दो तीन बार लाहौर आने का फ़ोन किया था, मगर आई एक बार भी नहीं थी। फिर उसे आंटी और अंकल की वो घबराहट याद आई
जो कासिम बरलास की आमद के साथ ही उन दोनों पर तारी हो जाती थी। उस घबराहट में एक तरह का एहसास पशेमानी भी झलक दिखाता था। कम अज कम शानी को तो यही लगता था। तब शानी को वो वाकया याद आया जब अंकल उस्मानी उसे कासिम के पास अकेला छोड़कर घर से निकल गए थे। उन्हें आंटी ने फोन करके बुलाया था और बताया था कि उनसे पर्स छीन लिया गया है। क्या वो सब प्लान था? वो सोचती रही और उलझती रही। उसे वो सब बातें याद आईं जो आंटी और अंकल ने उससे शादी के हवाले से की थी। उन बातों को आंटी अर्जुमंद बेगम की बातों से मिलाकर देखा जाता तो सब कुछ एक ही सिलसिले में पिरोया हुआ लगता था। बंद दरवाजों और खिड़कियों से बाहर सर्दी की वो तवील रात आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी, जैसे एक नागिन पुरपेच रास्तों पर आगे बढ़ रही हो, किसी को डसने के लिए, उससे जिंदगी छीनने के लिए। और शानी तन्हा थी, यकसर अकेली और बेआसरा। माँ की महफूज आगोश एक मुद्दत पहले छीन चुकी थी। जवान गैरतमंद भाई की महफूज बाहों का हिसार भी टूट चुका था। सर पर से अब्बा जी का घना साया भी सिरक चुका था। चचा, ताया, शोहर और वो कोई नहीं था, कोई भी नहीं। दुनिया के अजदहों से भरे हुए जंगल में वो तन्हा थी। उसे अपने सारे बिछड़े हुए टूट कर याद आए। वो रोने लगी, तकिए को भिगोने लगी। क्या उसके प्यारे अब्बा जी को पता था कि चंद ही माह बाद ऐसा वक्त आएगा कि उसकी लाडली मुकम्मल तौर पर गैरों के रहमो करम पर होगी। दुश्मनी के सब गंदल का जहर यूं चढ़ेगा कि हर गली में शीश नाग फनकारेंगे और ये नाग उनकी बदनसीब बेटी को हनका हनका कर तहतुसरा में पहुंचा देंगे। कुछ देर तक रोने से दिल का बोझ कदरे हल्का हो गया। वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरत हाल की तस्वीर वो ना हो जो उसे दिखाई दे रही है। आंटी अर्जुमंद ने जो कुछ कहा उसमें वजन महसूस होता था, मगर ये वजन किसी तासुब की कारफरमाई भी तो हो सकता था। आंटी माजदा और अर्जुमंद बेगम में पुरानी चपकलिश की मौजूदगी साबित होती थी। मुमकिन था कि अर्जुमंद बेगम ने जो कुछ कहा वो उसी चपकलिश का शाखसाना हो। अंकल और आंटी के पास रहते हुए उसे अब तकरीबन 2 महीने हो चले थे। इस दौरान में इसने उनमें ऐसी कोई मायूब चीज़ नहीं देखी थी जिससे कोई गंभीर नतीजा अखज़ किया जा सके। अंकल और आंटी उसे घर के फर्ज जैसी अहमियत दे रहे थे और बड़ी मोहब्बत से उसकी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे थे। इन्हीं ख्यालात में उलझे उलझे रात आखिरी पहर उसकी आँख लग गई। अगला दिन मामूल के मुताबिक शुरू हुआ और मामूल के मुताबिक ख़त्म हुआ। वो घर के काम काज में मसरूफ़ रही। उसने आंटी की एक पुरानी शलवार कमीज़ पहन ली। आंटी के मना करने के बावजूद वो कंबल और चादरें वगैरह धोने बैठ गई। लड़का शाहिद गांव गया हुआ था। घर के दीगर छोटे बड़े काम भी शानी खुद ही करती थी। खुद को जोखिम में डालकर उसे जिस्मानी मुशक्कत तो उठाना पड़ती थी, ताहम जहनी तौर पर कदर सुकून रहता था। शाम तक वो खासी थक चुकी थी। पता नहीं क्यों आज उसे महसूस हो रहा था कि आंटी माजदा कुछ चुप चुप हैं, कुछ खिंची खिंची सी, या शायद ये उसका वहम है। शानी यकीन से नहीं कह सकती थी कि रात को आंटी ने उसे अर्जुमंद बेगम यानी लंबो की अम्मी से बातें करते हुए वाकई देखा है या नहीं। दरवाज़ा तो बंद था, खिड़की पर जाली लगी हुई थी और वह ऐसे रुख पर थी कि उसमें से छत का वो हिस्सा बामुश्किल देखा जा सकता था जहाँ शानी अर्जुमंद बेगम के पास खड़ी थी। बहरहाल जिस अंदाज से आंटी माजदा ने उसे आवाज़ दी थी उससे ये शुबा होता था कि उन्होंने कुछ ना कुछ देखा है। शाम के वक्त जब शानी निढाल से टीवी के सामने बैठी थी, आंटी का मूड कदरे बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने अपना पसंदीदा फिक्रा दोहराया, इतना काम ना किया करो, ज़रा सा मुँह निकल आता है, कुछ भी नहीं होता, हट्टी कट्टी तो हूँ। कोई नहीं हो हट्टी कट्टी, उन्होंने कहा और किचन की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो 2 गर्मा गर्म कप चाय के ले आई, साथ में बिस्किट और दही पकौड़ियाँ थीं। चाय पीने के बाद शानी उधर ही बैठी रही। टीवी पर एक क्विज प्रोग्राम आ रहा था। बैठे बैठे शानी को ऊँग सी आ गई। ना जाने कितनी देर तक वो इसी तरह दीवार से टेक लगाए लगाए गनूदगी की हालत में रही। आँख खुली तो उजाला गायब था और शाम खासी गहरी हो चुकी थी। कमरे और अंदरूनी कमरे की लाइट्स रोशन थीं। टीवी बंद पड़ा था। साथ वाले कमरे से उसे कासिम बरलास की आवाज़ आई। वो अपनी भारी भरकम बुलंद आवाज़ में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं जी, उस्मानी साहब और बेगम दोनों नहीं हैं, अभी अभी गए हैं, कहीं फौतगी हो गई है। पता नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी, 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। उसने फ़ोन बंद कर दिया। शानी झुल्लास ही गई। कहाँ चले गए थे वो दोनों, और आज फिर ये मनहूस शख्स घर में था। ओह गॉड, शाहिद भी तो गया हुआ था। वो उठकर खड़ी हो गई। उसे अपना सर एकदम भारी महसूस हुआ और कदम डगमगाते हुए से लगे। उसे महसूस हुआ कि वो गिरने लगी है। वो जल्दी से फिर बैठ गई। ये क्या हो रहा है, उसने बड़ी परेशानी के आलम में सोचा।
पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। यही वक्त था जब द्योहेकल कासिम दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो हस्बे मामूल सफ़ेद पतलून और जर्सी में था। एनर्जी सेवर की रोशनी में उसका निस्फ गंजा सर दमक रहा था। क्या बात है नसीब दुश्मना, तबीयत तो ठीक है, उसने बेतकल्लुफी से सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर भारी हो रहा है, शानी की आवाज़ भी कदमों की तरह डगमगा रही थी। लगता है बहुत थकी हुई हो तुम, अगर दिल चाहता है तो थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शानी ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। आप ड्राइंग रूम में बैठें, मैं अभी आती हूँ। ड्राइंग रूम में बड़ी सर्दी है, कासिम ने अजीब से लहजे में कहा। हरदम बढ़ती हुई कनूदगी के बावजूद शानी ने कासिम के लहजे की तब्दीली को महसूस कर लिया। अंकल और आंटी कहाँ हैं, शानी ने पूछा। वो किसी मर्ग पर चले गए हैं 2-3 घंटे के लिए, अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया था। अचानक शानी को एहसास हुआ कि वो एक नहायत ख़तरनाक साजिश का शिकार हुई है। उसकी गैर मामूली कनूदगी बेमायनी नहीं थी। उसने शाम 5 बजे के करीब यहीं सोफे पर बैठे बैठे आंटी माजदा के साथ चाय पी थी। उसके थोड़े ही देर बाद आंटी उठकर चली गई थी और उसे ऊँग आ गई थी। यह गैर मामूली ऊँग थी और अब उसी गनूदगी भरी कैफियत में शानी कासिम की ज़बानी सुन रही थी कि आंटी और अंकल दोनों घर में नहीं। एकदम 2-3 बातों ने शानी के जहन पर यलगार की। पहली बात तो जहन में ये आई कि आंटी माजदा ने कल रात उसे छत पर अर्जुमंद बेगम से बातें करता देख लिया था और यह जो कुछ हुआ है उसी वाक्य का रद्द अमल है। फिर अर्जुमंद बेगम की यह बात उसके जहन में आई कि पहले उस्मानी और माजदा सीधी उंगलियों से घी निकालने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं निकला तो उंगलियां टेढ़ी कर लेंगे। तो क्या उंगलियां टेढ़ी की जा चुकी थीं? यह सवाल जहन में आते ही एक सर्द लहर उसके जिस्म में सरता पा दौड़ गई। तीसरी बात जहन में ये आई कि कासिम बरलास यहाँ क्यों मौजूद है और क्या करने का इरादा रखता है। अगर उसकी नीयत ख़राब है तो वो उसकी मजाहमत क्यों कर सकती है। मजाहमत की बात उसके जहन में आ तो गई थी मगर यह बहुत दूर दराज की बात मालूम होती थी। उसके जिस्म में हरदम नकाहत उतरती जा रही थी और आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। यही लगता था कि पलकों पर मनोबोझ रखा गया है। गले में भी खराश सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी कुव्वत इरादी को बरोए कार लाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की मगर वो जुज़्वी तौर पर ही कामयाब हो सकी। उसके धुंधलाए हुए जहन ने ऐलान किया कि उसे कोई तेज़ असर नशावर चीज़ दी गई है। क्या उसे चीखना चाहिए, उसने सोचा। क्या उसकी आवाज़ में इतना दम खम बचा है कि वो उन दीवारों से गुजर कर किसी मददगार के कानों तक पहुँच सके। क्या उसे उठकर भागने की कोशिश करनी चाहिए, क्या वो दीवारों और सामने वाले दरवाजे से टकराए बगैर भाग सकेगी, उसके डूबते हुए जहन ने पुकार कर कहा। शानी वक्त गुजर रहा है, बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, अगर अपनी आबरू और जान बचाने के लिए कुछ करना चाहती है तो जल्दी से कर ले। उसके अंदर की बाहिम्मत चौधरानी बेदार हुई, रंग वली की बाहौसला बेटी। वो पूरी ताकत जमा करके उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ज़मीन जैसे उसके नंगे पाँव के नीचे गोल गोल घूम रही थी। बचपन में उसके अब्बा जी हवेली के कच्चे सहन में उसे बाजुओं से पकड़कर गोल गोल घुमाते थे और फिर हंसते हंसते उसे ज़मीन पर बिठा देते थे। वो आंखें बंद कर लेती थी, उसे लगता था कि ज़मीन एक तरफ से उठती चली जा रही है। आज भी दरो बाम की यही कैफियत थी। पहले वो टीवी से टकराते टकराते बची, फिर एक कुर्सी से टकराई, शायद वो औंधे मुँह गिरती मगर ग्रांडील कासिम की मजबूत बाहों ने उसे सहारा दिया। उसके लंबे रेशमी बाल खुल गए और चेहरे पर झूलने लगे। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, कासिम बरलास ने कहा और उसे पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुर्बो जवार शानी की निगाहों में गलत मलत थे। शानी को लगा जैसे कासिम उसे बरामदे की तरफ ले जा रहा है मगर वो उसे अंदरूनी स्टोर में ले आया। ये तकरीबन 6x10 फुट का लंबूतरा स्टोर था। एक तरफ लोहे की अलमारी थी, एक तरफ जस्ती पेटी थी, अटैची केस, बोसीदा फोम के गद्दे, कंबल, घरेलू इस्तेमाल के औजार, गत्ते के खाली डब्बे, पता नहीं क्या कुछ यहाँ भरा हुआ था। इन सब अशिया के दरमियान तकरीबन 3x8 फुट की जगह खाली थी। यहाँ कालीन का एक टुकड़ा बिछा हुआ था। उस ताबूतनुमा मुख्तसर स्टोर में पहुँचकर शानी का दम घुटने लगा। कासिम ने उसे सहारा देते हुए कालीन पर बिठाया। शानी की पुश्त दीवार से टिक गई। गनूदगी का एक झोंका सा आया और उस मुख्तसर झोंके के बाद शानी को पता चला कि उस स्टोर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया जा चुका है और अब वो एक पिंजरे की कैदी थी। चारों तरफ मोटी दीवारें थीं और बंद दरवाजे थे। यह स्टोर घर के बीचों बीच वाक़े था। मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाना, मैं कहती हूँ मुझे हाथ मत लगाना, शानी कराही।
उसे अपनी आवाज कहीं बहुत दूर से आती महसूस हुई। उसके धुंधलाई हुई निगाहें देख रही थी। कासिम बरलास का चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बेबाकी से शानी के रुखसारों को सहलाया, उसके बालों को उसके चेहरे से पीछे हटाया और उसके बालों पर हाथ रखते हुए बोला, शानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है, वो सब का सब तुम्हारा होगा, तुम्हारे कदमों में होगा। प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना, मुझे अपना बना लो, मुझे अपने सीने से लगा लो, खुदा के लिए मुझसे पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ। शानी ने स्टोर के एक गोशे में सिमटने की कोशिश की। शानी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुमको अपना बनाना ही है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह। मैं दावे से कहता हूँ शानी, मेरे जैसा चाहने वाला तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं है शानी, तुम जो भी थी, जहाँ भी थी, मैं इस बारे में कुछ जानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। शानी ने अपने सर्द पाँव से पुरतपिश कासिम को पीछे धकेलने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए लगा कि वो अपने मखसूस हाकमाना लहजे में धाड़ पड़ेगा, मगर जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में नरमी बरकरार थी। शानी मैं तुम्हें दुनिया का हर आराम दूंगा, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रखा है, मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए दुनिया को किस तरह बदलता हूँ। उसके भारी भरकम हाथ की गिरफ्त शानी के नाजुक घुटने पर कायम थी और मजबूत हो रही थी। शानी ने यह गिरफ्त ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की। वो रोहान सी आवाज़ में बोली, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं खुद भी तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि तुम मेरी बात पूरी तवज्जो से सुन सको। मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। उसने अपनी जर्सी के गिरेबान में हाथ डालकर अंदर से एक तह किया हुआ कागज़ निकाला। ये फुल साइज़ के सफ़े से कुछ बड़ा था। शानी ये देख कर दंग रह गई। उस कागज़ की पेशानी पर लिखा था, फॉर्म निकाहनामा। हाँ, ये एक निकाहनामा था। ये तकरीबन सारे का सारा पुर किया जा चुका था। गवाहों के नाम और दस्तखत मौजूद थे। दुल्हा दुल्हन की अजदवाजी हैसियत, हक महर की रकम और निकाह ख्वाह के कवायफ, सारे इंदराजात मुकर्ररा जगहों पर मौजूद थे। शानी ने धुंधलाई हुई निगाहों से देखा, वो जगह खाली थी जहाँ दुल्हन के दस्तखत किए जाने थे। निकाह नामे में दुल्हन के वली के तौर पर रियाज उस्मानी का नाम पता लिखा था। कासिम बरलास ने निकाह नामा उसके सामने फैलाते हुए इल्तजा आमेज लहजे में कहा, प्लीज़ शानी इस पर दस्तखत कर दो, तुम्हारी और मेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। शानी ने आंखें फाड़ कर उस जाली कागज़ को देखा, फिर ना जाने एकदम इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आई, उसने कागज़ के टुकड़े कर दिए। कासिम उसे रोकता ही रह गया। उसके साथ ही शानी ने उठने की कोशिश की, मगर आहिनी अलमारी से टकराई। इस टक्कर से स्टोर के मुख्तलिफ खला में ज़बरदस्त शोर हुआ। इस मरतबा कासिम बरलास ने शानी को सहारा देने की कोशिश नहीं की थी। उसने सर्द निगाहों से शानी को अलमारी से टकराते और फिर पहलू के बल कालीन पर गिरते देखा। शानी का सर बुरी तरह घूम रहा था। इसके साथ साथ वो देख रही थी कि कासिम बरलास के तेवर बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत नमूदार हो गई थी। वो देव हेकल था और सीधा खड़ा था। कालीन पर गिरी हुई शानी को वो कुछ और भी बुलंदोबाला नजर आ रहा था। शानी के देखते ही देखते उसने अपनी जर्सी और कमीज़ उतार दी। उसका थल थल करता चरबेला जिस्म करीह मंजर पेश करने लगा। वो घुटनों के बल शानी के पहलू में बैठ गया और बड़े हरीसाना अंदाज में उसके बाल सहलाने लगा। मेरी और अपनी उम्र के फ़र्क पर ना जाओ मेरी रानी, वो चबा चबा कर बोला। मैं आजकल के मम्मी डैडी लोंडों से कहीं ज़्यादा जवान और तंदुरुस्त हूँ, तुम्हें एक भरपूर ज़िंदगी दे सकता हूँ। उसके मुँह से बू आ रही थी। वो उससे करीब तर होता जा रहा था। उसकी गर्म सरगोशियाँ शानी के कानों में गूंज रही थी, मगर यूं लगता था कि आवाज़ दूर किसी कुएं की तह से आ रही हो। वो कह रहा था, तेरे प्यार की कसम तुझसे दूर रहना मुश्किल है, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, बेबस हूँ। कासिम के हाथ शानी के जिस्म पर थे, फिर ये हाथ एक करख्त उजलत के साथ उसे बेलिबास करने की कोशिश करने लगे। शानी मज़ाहमत करना चाहती थी, मगर मज़ाहमत के लिए जिस होशमंद तवानाई की ज़रूरत होती है वो शानी में कहीं नहीं थी। वो अपने सीने में ताकत जमा करके चिल्लाई। उसने कासिम बरलास के भूखे हाथों को अपने नीम अरियां जिस्म से दूर हटाना चाहा, मगर ये दोनों फेल बेहद लाहिर और कमज़ोर थे। यही वक्त था जब शानी की निगाह एक ड्रिल मशीन पर पड़ी। ये आम इस्तेमाल होने वाली एक दरमियाने साइज़ की ड्रिल थी और जस्ती पट्टी के निचले खला से उसका नीलगू दस्ता नज़र आ रहा था। शानी की निगाहें उस मशीन पर जम सी गईं।
ड्रिल मशीन दीवारों में सुराख करती है। अगर शानी के बस में होता तो वो उससे कासिम के सर में सुराख कर देती। फिल वक्त वो उस मशीन को सिर्फ एक वजनी शय के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। शानी ने दीवार से टेक लगा रखी थी। कासिम बरलास उसके ऊपर तकरीबन गिरा हुआ था। शानी को उसकी गंजी खोपड़ी और थल थल करती चरबेली पुश्त नजर आ रही थी। उसके हाथ ड्रिल मशीन की तरफ बढ़े। अपने जिस्म से तवानाई की आखिरी रमक निचोड़ते हुए शानी ने ये ड्रिल दोनों हाथों में उठाई और कुव्वत से कासिम के सर पर दे मारी। शानी ने हेजानी अंदाज में ज़र्ब लगाई थी। कुछ मशीन का अपना वजन भी था। खट्टाक की आवाज़ पैदा हुई और कासिम त्योरा कर पीछे गिर पड़ा। शानी ने सीधे खड़े होकर एक और ज़र्ब उसके सर पर लगाई, फिर एक और उसके चेहरे पर। कासिम के मुँह से अजीब डकराती हुई आवाज़ निकली। चंद लम्हों के अंदर उसका चेहरा लहू लुहान हो गया। इस लहू के अंदर से उसकी सफ़ेद सफ़ेद बंद होती हुई आंखें नजर आ रही थीं। वो बेहोश हो रहा था या शायद मर रहा था, शानी को कुछ अंदाज़ा नहीं था। उसने ड्रिल मशीन एक तरफ फेंकी और स्टोर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो एक सेकंड ज़ाया किए बगैर यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसने चप्पल पहनी। उसके जिस्म पर अभी तक आंटी माजदा के ढीले ढाले कपड़े थे। उसने बिस्तर की एक चादर घसीट कर अपने फटे हुए लिबास को ढांप लिया। फिर वो तीर की तरह बरामदे की तरफ आई। वो बुरी तरह डगमगा रही थी और दरवाज़ों से टकरा रही थी। बरामदे में जालीदार ग्रिल थी। इसी ग्रिल में एक दरवाज़ा था जिसमें से गुजरकर सहन में पहुंचा जाता था। शानी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उस पर इंकशाफ हुआ कि यह दरवाज़ा लॉक है। वो दीवानों की तरह चाबी ढूंढने लगी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं और कुर्बा जवार निगाहों में चकरा रहे थे। गले में शदीद जलन थी। यूं लगता था कि हलक में खंजर उतरे हुए हैं। चाबी नहीं मिल रही थी। शायद वह कासिम के लिबास में ही थी, लेकिन वह अब वापस उस मनहूस स्टोर में नहीं जाना चाहती थी और ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि फिर से खूंजका कासिम बरलास को देख सके। अचानक किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे चाबी मिल गई। यह शीशे की एक तपाई पर शराब की निस्फ बोतल के नीचे रखी थी। करीब ही शीशे का एक ग्लास उल्टा पड़ा था। ग्लास के साथ ही कासिम बरलास के पसंदीदा सिगरेटों का पैकेट और उसका लाइटर पड़ा था। एक प्लेट में तली हुई नमकीन मूंगफली की बाकियात थी। शानी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि चाय पीने के बाद वो टीवी के सामने बैठी बैठी कितनी देर तक कुर्बो जवार से बेखबर रही थी। जब उसकी आंख खुली तो शाम गहरी हो चुकी थी। गालिबन कासिम तब आध पौन घंटे से यहाँ मौजूद था। इसी दौरान में उसने यहाँ इन चीज़ों से शुगल किया था। शानी को उसका तमतमाया हुआ चेहरा और चढ़ी हुई आंखें याद आईं। यकीनन वो सब इसी सियाले आतिश का करिश्मा था जो उसने यहाँ बैठकर अपने अंदर उंडेली थी। शानी ने बोतल के नीचे से जालीदार दरवाजे की चाबी निकाली और लरसते हाथों से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अब मुख्तसर सहन उसके सामने था। इस सहन को तकरीबन 10 फुट ऊंची चार दीवारी ने घेर रखा था। शानी जल्द अज जल्द इस खतरनाक चार दीवारी से निकल जाना चाहती थी। वो बैरूनी दरवाजे पर पहुंची और ये जानकर उसके औसान खता हो गए कि ये दरवाज़ा भी लॉक है। कासिम हर तरह की पेशबंदी करके ही उसे स्टोर में ले गया था। या खुदा मैं क्या करूँ, शानी ने खुद कलामी की। उसके हलक में कांटे से थे। मुँह भी बिल्कुल खुश्क हो रहा था। वो एक बार फिर दीवानों की तरह बैरूनी दरवाजे की चाबी ढूंढने लगी। चाबी कहीं नहीं थी। उसने बेकरार होकर बैरूनी दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वो बस जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। दरवाज़ा पीटने पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ तो उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, कोई है, कोई है। अचानक उस पर इंकशाफ हुआ कि उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही। वो पूरी ताकत से बोल रही थी मगर आवाज़ शायद चंद फुट तक ही जा रही थी। दर हकीकत स्टोर रूम में होने वाली ज़बरदस्त खींचातानी के दौरान में वो मुसलसल चिल्लाती रही थी। शायद कुछ असर नशावर दवा का भी था। उसका गला बुरी तरह बैठ चुका था। उसने दरवाज़ा पीटने के साथ साथ ये कोशिश भी की कि उसकी आवाज़ बाहर तक पहुंच सके। इस कोशिश का उल्टा असर हुआ। रही सही आवाज़ भी ख़त्म होती महसूस हुई जब अचानक उस पर एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। घर के अंदरूनी हिस्से में स्टोर रूम की तरफ से खटपट की आवाज़ आई थी। वहाँ हरकत हो रही थी। कासिम बरलास के सिवा वहाँ कौन हरकत कर सकता था। शानी को अपना खून रगों में जमता महसूस हुआ। उसने बौखलाकर बरामदे की तरफ देखा। तब उसे कासिम बरलास की एक मुख्तसर झलक दिखाई दी। वो देव का देव डगमगाता हुआ कॉमन रूम से टीवी लाउंज की तरफ आ रहा था। कोई लम्हा जाता था कि वो बरामदे में पहुंचने वाला था। शानी कराहती हुई सीढ़ियों की तरफ लपकी। खुद को कासिम बरलास की निगाहों से बचाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर बालाई मंजिल पर जाती। वो खुद को बालाई मंजिल के टीवी लाउंज में ले आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आवाज़ों से साफ पता चल रहा था कि जख्मी कासिम बरलास
बड़े तैश के आलम में उसे निचली मंजिल पर ढूंढ रहा है। दरवाजे भी धड़ाधड़ बज रहे थे, गालियां बकने की आवाजें भी आ रही थी। फिर शानी ने महसूस किया कि वो सीढ़ियां चढ़कर बालाई मंजिल की तरफ आ रहा है। शानी आखिरी दम तक मजाहमत करना चाहती थी, मगर उसके नशे से मुतासिर एहसाब साथ नहीं दे रहे थे। उसने टीवी लाउंज में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रही थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ऊपर का पोर्शन तकरीबन बेआबाद था। उस्मानी की बेटियों की शादी के बाद वो कमरे तो बिल्कुल खाली पड़े थे। टीवी लाउंज का भी यही हाल था। चंद ही सेकंड बाद कासिम की उसीली आवाज टीवी लाउंज के सामने से सुनाई देने लगी। कहाँ है तू? बाहर निकल, मैं कहता हूं बाहर निकल, नहीं तो पूरे घर को आग लगा दूंगा। फिर वो गलीज गालियां बकने लगा। उसकी आवाज से आया था कि वो नशे में है। गालियों का इंतखाब उसके अंदर की भूख और हविस को जाहिर करता था। शानी अपनी जगह सुकड़ी सिमटी खड़ी रही। उसका दिल जैसे सीने में नहीं पूरे जिस्म में धड़क रहा था। कुछ ही लम्हे बाद टीवी लाउंज का दरवाजा धड़धड़ बजने लगा। बेपनाह वहशत के आलम में कासिम दरवाजे को धक्के दे रहा था। शानी ने सरासीमा नजरों से दरवाजे की अकलौती चटखनी को देखा। ये चटखनी ब्रांडील कासिम की मजाहमत ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सकी। शानी ने टीवी लाउंज छोड़ा और पिछले दरवाजे से निकलती हुई बालाई पोर्च के किचन में आ गई। ये किचन भी ना जाने कब से बेआबाद पड़ा था। यहाँ एक खस्ता हाल एसी, एयर कूलर और पेडिस्टल फैन वगैरह रखे थे। शानी इस किचन में घुस गई और यहाँ भी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। यहाँ लाइट वगैरह नहीं थी। किचन की खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी। यहाँ भी आईनी ग्रिल और जाली लगी हुई थी। कासिम बरलास ने अब टीवी लाउंज का दरवाज़ा धड़धड़ाना बंद कर दिया था। गालिबन वो किसी और तरीके से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, या शायद वो ऊपर छत पर देखने चला गया था। पड़ोस का करीब तरीन मकान भी तकरीबन 100 फुट की दूरी पर था। शानी की आवाज़ तो गले से निकल नहीं रही थी। वो सिर्फ ये कर सकती थी कि किसी लकड़ी लोहे को खिड़की से टकरा कर आवाज़ पैदा करती और पड़ोसियों को मुतवज्जा करने की कोशिश करती। ताहम इस कोशिश में नुकसान का अंदेशा भी बदरजा अतम मौजूद था। धुंध आलूद सर्दी में लोग बंद कमरों में दुबके हुए थे। ऐन मुमकिन था कि खिड़की की आवाज़ पड़ोसियों तक ना पहुंचती, मगर कासिम बरलास तक पहुंच जाती। बल्कि यकीनी बात थी कि ये आवाज़ उस तक पहुंचेगी। उसे यकीन हो जाएगा कि शानी किचन के आसपास मौजूद है। वह इसी अधेड़ बन में थी जब उसकी निगाह नीचे सड़क पर पड़ी। उसने देखा एक मोटर रिक्शा उस्मानी की बेटी अक्षा को गेट पर उतारने के बाद गली के मोड़ पर ओझल हो रहा था। हाँ, वो अफशां ही थी। दुबली पतली, स्मार्ट सी। उसके हाथों में 3-4 वजनी शॉपर बैग झूल रहे थे। कंधे पर उसने शोल्डर बैग संभाला हुआ था। शानी के देखते ही देखते उसने 2 शॉपर बैग नीचे रखे और कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी। नीचे बरामदे में घंटी की आवाज़ सुनाई दी। सीढ़ियों पर कासिम बरलास के मखमूर लड़खड़ाते कदमों की आवाज़ उभरी। वो नीचे जा रहा था। घंटी की आवाज़ उसे नीचे ले जा रही थी। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, शानी ने बोझल जहन के साथ सोचा। वो किचन से निकली और 2 दरवाज़ों में से गुजरती हुई फिर टीवी लाउंज में आ गई। यहाँ एक खिड़की से वो मेन गेट का मंजर देख सकती थी। उसे कासिम बरलास की झलक नज़र आई। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका चेहरा और कंधे लहूलुहान थे। उसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज़ थी। ये जानकर शानी के रोंगटे खड़े हो गए कि ये बड़े साइज़ की तेज़ धार छुरी थी। गोश्त काटने वाली यह छुरी कासिम ने यकीनन निचली मंजिल के किचन से ली थी। इस छुरी और अपने लहूलुहान सरापे के साथ वो बेहद भयानक नजर आ रहा था। घंटी एक बार फिर बजी। कासिम का अंदाज बता रहा था कि शानी की तरह उसने भी बालाई मंजिल से अफशां की झलक देख ली है। वो लड़खड़ाता हुआ गेट तक पहुंचा। गेट तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने लिबास में से चाबी निकाल ली थी। छोटा गेट खोलने के साथ ही वो एक तरफ सतून की ओट में हो गया। जर्क बर्क कपड़ों वाली नौब्याहता अफशां ने दरवाज़ा खोला और बेतकल्लुफी से अंदर आ गई। शॉपर्स उसके हाथों में थे। दरवाज़ा खोलने वाला नज़र नहीं आया था। उसने ताज्जुब से दाएं बाएं देखा। फिर मुलाजिम लड़के शाहिद को आवाज़ देते हुए बोली, शाहिदी बड़े शरारती हो तुम। यकीनन उसके जहन में यही आया था कि ऐसा शाहिद ने किया होगा। शानी का दिल चाहा वो पुकार पुकार कर अफशां को इत्तला दे कि वो एक गंभीर खतरे की जद में आ रही है। यहाँ उनमें से कोई नहीं है जिनसे मिलने वो आई है। यहाँ तो बस उनका बिछाया हुआ वो जाल है जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी पकड़ बेहद खौफनाक है। लेकिन वो कुछ ना कह सकी। उसका हलक एक बंजर सहरा की तरह था। उसका नुत्क उससे जुदा था। अफशां की नोखेज आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अम्मी कहाँ हैं आप? अबू अबू। वो बरामदे के सामने सहन में चकरा रही थी।
उसने अपना वजन हल्का करने के लिए शॉपर गालिबन बरामदे में बिछे तख्त पर रखे और अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ी। अब वो शानी को नजर नहीं आ रही थी। शानी को सिर्फ अफरियत नुमा कासिम बरलास नजर आ रहा था। वो गेट फिर से लॉक करने के बाद बरामदे की तरफ बढ़ रहा था। दो लम्हे बाद वो भी नजरों से ओझल हो गया। शानी सकते में खड़ी थी। चंद सेकंड गुजरे और फिर वही कुछ हुआ जो बदतरीन अंदेशे की सूरत शानी के जहन में मौजूद था। एक घुटी घुटी दर्दनाक चीख किसी अंदरूनी कमरे में सुनाई दी। यकीनन ये अफशां की चीख थी। उस अधूरी चीख से अंदाजा होता था कि उसके मुंह को फौरन ही मजबूती से बंद कर दिया गया है। ओह खुदाया, शानी ने अपना घूमता हुआ सर दोनों हाथों से थामा। उस्मानी और माजदा के बिछाए हुए जाल में उनकी बेटी आप हंसी थी। वही मकाफात की पुरानी रिवायत। अफशां को इतवार के रोज अम्मी अबू से मिलने आना था लेकिन बावजह वो नहीं आ सकी थी। आज गालिबन वो उन्हें सरप्राइज देने अचानक याद हमकी थी। शानी ने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। उसके अंदर की आवाज थी कि जो कुछ भी है उसे अफशां को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। शानी के एहसाब उसका साथ नहीं दे रहे थे। हाथ पांव की हरकत बेकायदा थी और गला तो जैसे सूख कर लकड़ी हो चुका था। गले की सूरत हाल के डांडे यकीनन उस नशावर शय से मिलते थे जो उसे दही पकौड़ियाँ या चाय में मिलाकर दी गई थी। शानी के अंदाजे के मुताबिक अब मखमूर कासिम बरलास उस्मानी की बेटी को वहीं ले जा चुका था जहाँ कुछ देर पहले शानी मौजूद थी। वही कबर नुमा स्टोर जिसके चारों तरफ कमरे थे और बंद दरवाजे थे। शानी के लिए मौका था कि वो किसी तरह शोर मचाती और अड़ोस पड़ोस के लोगों को अपनी तरफ मुतवजा करने की एक और कोशिश करती, मगर यहाँ जोश के साथ थोड़े से होश की ज़रूरत भी थी। अपने चकराए हुए गुब्बार आलूद जहन के बावजूद इतनी बात शानी को समझ में आ रही थी कि अगर उसने पड़ोसियों को मुतवजा करने की कोशिश की और किसी वजह से वो मुतवजा ना हो सके तो सूरतेहाल मजीद ख़राब हो जाएगी। कासिम बरलास को यकीन हो जाएगा कि शानी बालाई मंजिल पर मौजूद है। वो अफशां को स्टोर में लॉक करके या किसी और तरह से बेबस करके फिर से बालाई मंजिल का रुख कर सकता था। बेहतर ऑप्शन तो ये था कि वो पहले किसी तौर इस घर से निकलती फिर मदद हासिल करने की कोशिश करती, लेकिन निकला कैसे जाता। घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। महफूज तरीका बस एक ये था कि वो सहन में पहुंचती और किसी तरह बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर सड़क पर पहुंच जाती। वो निढाल सी होकर एक सोफे पर गिर पड़ी। आस पड़ोस के मकान कुछ फासले पर थे, खिड़कियां दरवाजे बंद थे और शायद मकीनों की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। उनकी आंखें और कान भी बंद थे। ये बेहिसी और बेखबरी भी हमारे मौजूदा रहन सहन की देन है। दीवार से दीवार मिली होती है लेकिन पड़ोसी एक दूसरे के अहवाल से लातालुक होते हैं। शाम होते ही खिड़कियां दरवाजे बंद करके टीवी लाउंज आबाद कर लिए जाते हैं। वो सामाजिक जिंदगी नापैद हो चुकी है जो अहले मोहल्ला को एक दूसरे से मरबूत रखती है। वो एक दूसरे के मसाइल और हालात से आगाह होते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत करते थे। शानी को लगा कि वो एक बंद दरवाजे वाले गूंगे बहरे नगर में है। यहाँ हर कोई अपने हाल में मगन है। जानो माल पर डाके पड़ते रहें, शैतान नाचता रहे, दरिंदे गोश्त नोचते रहें, मगर किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। बस उसकी मुसीबत होती है जिस पर मुसीबत पड़ती है। हर कोई अलग अलग अपनी कयामत सुग़रा का सामना करता है। वो कुछ देर तक बदहवास ही बैठी रही, फिर लड़खड़ाकर उठ खड़ी हुई। वो तसव्वुर की निगाह से नरमो नाजुक अफशां को शराबी कासिम के शिकंजे में देख रही थी। एक तेज धार छुरी अफशां की गर्दन पर थी और कासिम किसी अफरियत की तरह उस पर झपट रहा था। नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उसने बड़े कर्ब के आलम में सोचा। वो संभल संभल कर सीढ़ियाँ उतरी और बरामदे की तरफ बढ़ी। कॉमन रूम में एक कुर्सी ओंधी पड़ी थी। पास ही सुर्ख रंग का लेडीज सैंडल का एक पाँव नजर आ रहा था। यकीनन ये उस खींचा तानी की निशानियाँ थी जो कासिम बरलास और अफशां के दरमियान स्टोर की तरफ जाते हुए हुई थी। शानी की निगाहें फ़ोन सेट को तलाश करने लगीं। उसके जहन में यह ख्याल मौजूद था कि शायद फ़ोन सेट किसी तौर पर उसकी मदद कर सके। फ़ोन सेट अपनी मुकर्रा जगह पर मौजूद नहीं था। वो शानी को कालीन पर नजर आया। वो उसकी तरफ बढ़ी, ताहम फ़ौरन ही उम्मीद की जगह मायूसी ने ले ली। फ़ोन सेट का तार तोड़कर अलहदा कर दिया गया था। अंदाज़ा होता था कि कासिम शानी को स्टोर रूम की तरफ ले जाने से पहले ये कार्रवाई कर चुका था। अचानक कुछ दबी दबी आवाज़ों ने शानी का सीना शक कर दिया। ये रोती कराहती आवाज़ें बंद स्टोर की तरफ से आ रही थी। वो जो हविस के नरगे में थी सिसक रही थी, आंसू बहा रही थी। शानी को वो बात फिर याद आ गई। कहते हैं कि औरत के आंसू बहुत कुछ पिघला देते हैं,
लेकिन ये भी देखा गया है कि औरत जब मजबूरी के शिकंजे में हो तो हविसकार मर्द को ये आंसू पिघलाने के बजाय और भी पत्थर कर देते हैं। बंद स्टोर से उभरने वाली दबी दबी आवाजें गवाह थीं कि अफशां बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही है। दूसरी तरफ शानी लाचारी की इंतहा को छू रही थी। ना जाने क्यों उन लम्हों में उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। एकदम ही कोई भूला बसरा याद आ गया था, वो जो अपना था, जिसका चौड़ा सीना एक दीवार की तरह शानी की हिफाजत करता था, वो जो उसके एक इशारे पर सर धड़की बाजी लगाने को तैयार रहता था। अगर वो यहाँ होता और शानी को इन हालात में देखता तो क्या करता? शायद वह शोला जवाला बन जाता और अपने सामने आने वाले कासिम जैसे हर शख्स को जलाकर राख कर देता। हाँ, ऐसा ही था रुस्तम। शानी ने उसके गैज़ो गज़ब की एक मुख्तसर झलक रावलपिंडी में पुलिस मोबाइल के अंदर देखी थी, लेकिन वो यहाँ नहीं था। पता नहीं कहाँ था, किस नगर में था, किस बस्ती के किस कूचे में था। शानी ने उसे खुद खोया था, जान बूझ कर गंवाया था। यह ख्यालात 4-5 सेकंड से भी कम वक्त में शानी के जहन से गुजर गए। वो एक बार फिर उठी। वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। यहाँ बंद स्टोर से उभरने वाली दबी आवाज़ें उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल रही थी। वो पलटी और डगमगाती हुई फिर सहन की तरफ बढ़ी। बरामदे में उसे शॉपर बैग तख्त पर ढेर नजर आए, जो कुछ देर पहले अफशां बड़े चाव से लेकर अंदर दाखिल हुई थी। अब ये बैग भी हसरत की तस्वीर नज़र आ रहे थे। वही शॉपिंग बैग गालिबन इस्लामाबाद से ही लेकर आई थी। उसका शोहर उसके साथ नहीं था। शायद उसे बाद में लाहौर आना था, या शायद वह उसे मेन गेट पर ड्रॉप करके मोटर रिक्शा में कहीं आगे निकल गया था। उसे कुछ देर बाद वापस आना था, या शायद ये कोई और बात थी। बहरहाल वो उसके साथ नहीं था, और उसका साथ ना होना अफशां के लिए एक बहुत बड़ी आफत का सबब बन चुका था। शानी एक बार फिर मेन गेट की तरफ आई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि उसे क्या करना है। ये अंदेशा भी उसके जहन में हर घड़ी गंभीर हो रहा था कि कहीं वो होशो हवास खोकर गिर ना जाए। अचानक उसकी निगाह एक चमकती शय पर पड़ी और उसकी बंद होती हुई आंखों में उम्मीद के चराग रोशन हो गए। उसने गौर से देखा। ये चमकती चीज़ छोटे गेट की चाबी थी, जो ताले के अंदर ही लगी हुई थी। शराब के अंधे नशे ने काम दिखाया था। अभी कुछ देर पहले अफशां के अंदर आ जाने के बाद कासिम बरलास ने दरवाज़ा फिर मुकफ्फल कर दिया था। मुकफ्फल करने के बाद वो चाबी अंदर ही छोड़ गया था। शानी ने लपक कर दरवाज़ा खोला और बाहर सड़क पर आ गई। उसके जिस्म के गिर्द बिस्तर की चादर लिपटी हुई थी। बाल मुंतशिर हो रहे थे। हवा के सर्द झोंकों ने उसका इस्तकबाल किया। उसने नींद तारीख सड़क के वस्त में खड़े होकर चारों तरफ देखा। उस सामंजिला मकान की दरमियानी मंजिल पर रोशनी हो रही थी। शानी की मालूमात के मुताबिक यहाँ कोई सहाफ़ी बाजवा साहब रहते थे। शानी ने कॉल बेल का बटन दबाया और वक्फे वक्फे से दबाती चली गई। साथ साथ वो दस्तक भी दे रही थी। उसका हलक बंद था, इसके बावजूद वो पुकारने की कोशिश भी कर रही थी। 2-3 मिनट के जांकुसल इंतज़ार के बाद बालाई मंजिल की एक खिड़की खुलने की आवाज़ आई। एक सुस्त और बेजार नस्वानी आवाज़ ने पूछा, कौन है? शानी ने पुकार कर कहा, नीचे आए, बात सुने। मगर उसकी आवाज़ इतनी पस्त थी कि बस उसके इर्द गिर्द ही गूंज कर रह गई। क्या बात है? इस मरतबा मजीद बेजारी और काहली से पूछा गया। इसके साथ ही बुड़बुड़ाने की आवाज़ आई और खिड़की खटाक से बंद कर दी गई। शानी ने तकरीबन 1 मिनट तक मजीद कॉल बेल बजाई और दरवाज़ा पीटा। अंदर से कोई आहट सुनाई नहीं दी। इस दौरान में शानी की निगाह एक गाड़ी की हेडलाइट्स पर पड़ी। खाली सड़क पर गाड़ी दरमियानी रफ्तार से शानी की सिमत आ रही थी। शानी ने बाजवा साहब का गेट छोड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी रोकने के लिए वो सड़क के तकरीबन वस्त में खड़ी हो गई। यह देखकर उसे ताज्जुब हुआ कि गाड़ी उससे बचती हुई आगे निकल गई और फिर सड़क के मोड़ पर ओझल हो गई। या रब, मेरी मदद कर, शानी के होंठों से बेसाख्ता निकला। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसने जैसे खुद से सवाल किया। उसने कई मरतबा अखबारों में पढ़ा था और अब्बा जी की ज़बानी सुना था कि शहर जितने बड़े होते हैं उतने ही बेहिस होते हैं। हादसों के बाद सड़कों पर जख्मी तड़पा करते हैं। भरे पूरे चौराहों पर लोग अगवा होते हैं। सरेआम किसी गरीब सड़क छाप को पजारों सवार नंगा करके खड़ा कर देता है। बस देखने वाली आंखें देखती रहती हैं और सुनने वाले कान सुनते रहते हैं। कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई मदद नहीं करता। उसे इन बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं होता था, मगर आज सब कुछ उसके अपने ऊपर बीत रहा था और वो देख रही थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि उसे आंटी अर्जुमंद का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। उनका घर अकबी जानिब से उस्मानी के घर से जुड़ा हुआ था। वो एक बगली गली की तरफ बढ़ी। ये गली उसे यकीनन उस्मानी के घर के अकब तक पहुँचा सकती थी।
ये 30 फुट चौड़ी सड़क थी, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद थीं। गहरी गनोदगी के सबब शानी को ये दोधिया लाइट्स लहराती हुई महसूस हो रही थीं। उस सड़क पर अच्छा खासा फासला तय करके वो बाईं तरफ मुड़ी। यहाँ एक स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे जन लड़के खड़े नजर आए। एक जवान साल शख्स मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। शानी उनके करीब पहुंची, वो बोली तो उसके हलक से बस घेस घेस की आवाज़ निकल रही थी। वो उन लड़कों से कह रही थी कि वो उसके साथ आएं और उसकी मदद करें। शानी के अल्फाज किसी ने नहीं सुने या शायद किसी की समझ में नहीं आए, बस उसके हुलिये पर गौर कर रहे थे और हुलिया वाकई चौंका देने वाला था। शानी को अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हो रहा था। यकीनन कासिम से होने वाली धींगा मुश्ती में उसका होंठ फटा था या मुंह अंदर से जख्मी हुआ था। उसके बाल मुंतशिर थे और जिस्म पर बिस्तर की चादर थी। फिर जिस अंदाज से वो मदद के लिए कह रही थी वो भी चौंकाने वाला था। जब उसकी बात किसी की समझ में नहीं आई तो उसने झुंझुलाकर एक लड़के को बाजू से पकड़कर खींचा और साथ साथ उस्मानी के घर की जानिब इशारा किया। लड़का यूं पीछे हटा जैसे वो उसे अगवा करने की कोशिश कर रही हो। मोटरसाइकिल पर बैठे जवान साल शख्स की तफ्तीशी निगाहें शानी को सरतपा घूर रही थी। कौन हैं आप, किस घर से आई हैं, उसने पूछा। इससे पहले कि शानी जवाब देने की कोशिश करती उसकी निगाह दूर नीले रंग की एक जलती बुझती रोशनी पर पड़ी। ये रोशनी कोई नस फरलांग दूर सड़क के मोड़ पर नमूदार हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। शानी की रगों में खून सनसना उठा। यह पुलिस कार की रोशनी थी। क्या वो पुलिस का सामना कर सकती है? यह सवाल एक तीर की तरह उसके सीने में पेवस्त हो गया। नहीं, वो नहीं कर सकती थी। पुलिस के सामने आने का मतलब था वो सबके सामने आ जाती, रंगवली के सामने, नारपुर के सामने, रुस्तम के सामने और सबसे बढ़कर उस फनकारती हुई किन्हा दुश्मनी के सामने जो दर्जनों सरों वाले जहरीले अजदहे की तरह उसके इर्द गिर्द मौजूद थी। नारपुर का महर जी अपनी हवेली में जलकर मर चुका था, मगर उसके वारिस तो मौजूद थे, महर के वो खूनी रिश्तेदार जो दुश्मनियाँ पालने की खूह अपने लहू में रखते थे और दुश्मनियाँ चुकाने के हुनर में यकता थे। ये सब कुछ एक सेकंड से भी कम वक्त में शानी के जहन में आया और गुजर गया। उसकी निगाह जलती बुझती नीली रोशनी पर थी। उसने कम फहम लड़कों को उनके हाल पर छोड़ा और चंद कदम चलकर एक बगली गली में मुड़ गई। ये गली तारीकी में लिपटी हुई थी। एक सर्द कहरा दरो दीवार को ढांप रहा था। अब शानी जल्द अज जल्द दूर निकल जाना चाहती थी। उसके लड़खड़ाते कदमों में तेजी आ गई। एक कार रिवर्स गियर में एक गैराज से बरामद हो रही थी। वो उससे बचती हुई एक और सड़क पर मुड़ गई। उसका दिल सीने में फड़फड़ा रहा था, सांस धोंकने की तरह चल रही थी। कुछ आगे जाकर उसे यूं लगा कि दो अफराद उसके पीछे आ रहे हैं। कौन थे वो? गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए लड़के, पुलिस वाले या कोई और, या फिर शायद ही उसका वहम भी था। बहरहाल उसके कदमों में मजीद तेजी आ गई। अचानक उसे एक रिक्शा नजर आया। रिक्शा स्टार्ट था, पिछली निशस्त खाली दिखाई दे रही थी। शानी के पास सोच बाजार करने की मोहलत नहीं थी, वो सीधी पिछली निशस्त पर जा बैठी। रिक्शा ने एक झटका लगाया और हरकत में आ गया। रिक्शे वाले ने फौरी तौर पर यह पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी कि उसे कहाँ जाना है, बस जिस तरफ रिक्शे का रुख था वो उसी तरफ चलने लगा। सर्द हवा के झोंके शानी के चेहरे और जिस्म से टकराए तो उसे अपने हवास कुछ बेहतर होते महसूस हुए। रिक्शे की हरकत उसे बहुत भली लग रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि इस हरकत के साथ साथ वो लम्हा ब लम्हा एक खौफनाक शिकंजे से दूर होती जा रही है। तकरीबन 2 फरलांग आगे जाने के बाद रिक्शे वाले ने अपना रुख थोड़ा सा फेर कर शानी की तरफ देखा। वह 40-45 साल शख्स था। कनपटियों से बाल सफ़ेद थे। उसने पंजाबी लबो लहजे में पूछा, आपने किधर जाना है जी? शानी ने अपना गला मसला और आवाज़ को हतुल इम्कान हद तक बुलंद करते हुए बोली, अभी सीधे चलते रहो। जी क्या कहा आपने? अभी सीधे चलते रहो, शानी ने अपना जवाब दोहराया। अभी तक वो कोई फ़ैसला ही नहीं कर पाई थी कि उसे किधर जाना है। जहन माउफ था और हालात इससे भी ज़्यादा माउफ कर देने वाले थे। उसकी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी और किराए के बगैर वो कहीं भी नहीं जा सकती थी, बल्कि असूली तौर पर तो वो इस रिक्शे में भी नहीं बैठ सकती थी। रिक्शा कुछ देर तक सीधा चलता रहा, फिर एक जगह रुक गया। अब तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था। एक ठठरी हुई तारीकी धीरे धीरे लाहौर की गली कूचों में गहरी हो रही थी और एक तवील रात की आमद का पता दे रही थी। चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मोटरसाइकिलें, वैगनें, तांगे, कारें, हर नवा इकसाम की गाड़ी और हर किस्म के लोग मौजूद थे। धुआं धुआं फिजा में ये लोग जैकेट्स, गरम टोपियां और गरम कपड़े पहने अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना थे। हर शख्स की हरकत
किसी खास सिमत की जानिब थी। एक शानी थी जिसकी कोई सिमत नहीं थी। रिक्शे वाले की आवाज़ ने शानी को ख्यालों से चौंकाया। जी आपने बताया नहीं किस तरफ जाना है। इस मरतबा उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी। हम कहाँ पर हैं? ये नस्बत रोड है जी, हम लक्ष्मी चौक के सामने खड़े हैं, रिक्शे वाले ने तफसील फराहम की। दूधियार सतूनों वाले जगमगाता हुआ लक्ष्मी चौक कुछ फासले पर था। फिल्मों के बड़े बड़े बोर्ड दूर ही से नज़र आ रहे थे। एक मरतबा जब वो अब्बा जी और अम्मी के साथ लाहौर की सैर को आई थी तो इस चौक से उन्होंने कड़ाही गोश्त खाया था। चौक की गहमा गहमी और बड़े बड़े फिल्मी बोर्डों की भरमार ने उसे बड़ा हैरान किया था। आज एक बार फिर ये चौक उसके सामने था, लेकिन आज के हालात और उन हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रिक्शे वाला उसके जवाब का मुंतज़िर था। शानी ने गहरी सांस लेते हुए बेहद बैठी हुई आवाज़ में कहा, देखो बात यह है कि मेरा अटैची यहाँ गुम हो गया है। उसी में मेरे पैसे थे और वो एड्रेस भी था जहाँ मुझे जाना था। मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं आज की रात इत्मीनान से गुजार सकूँ। कल मैं किसी तरह फ़ोन करके गुजर खान से अपने किसी अजीज़ को बुला लूँगी। जगह से तुम्हारा क्या मतलब है? रिक्शे वाले ने आपसे तुम पर आते हुए कहा। सुना है यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ औरतें दो चार दिन के लिए हिफाजत से रह सकती हैं। उन्हें जिस तरह की मदद चाहिए होती है वो भी की जाती है। शायद तुम दारुल अमान की बात कर रही हो। मेरा ख्याल है यही नाम है, शानी ने कहा। रिक्शे वाले ने पूरा घूमकर शानी को सरतापा घूरा। शक्लो सूरत से वो भला मानस ही लगता था। उम्र भी पुख्ता थी। शानी का पूरी तरह जायजा लेने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, जिस जगह की तुम बात कर रही हो वहां तुमको ऐसे ही नहीं रख लिया जाएगा। 100 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, पूरा शजराए नसब पूछा जाएगा। कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या कहना चाहते हो तुम? रिक्शे वाले ने फिर एक गहरी सांस ली, रिक्शे का इंजन बंद करके अपनी छोटी छोटी खिचड़ी दाढ़ी खुजाई और बोला, तुम मुझको किसी अच्छे घर की लगती हो। लगता है तुम पर कोई मुसीबत आई हुई है। शानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक शानी के जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहने लगा, अगर दारुल अमान वगैरह के झगड़ों में पड़ोगी तो तुम्हारी मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए मुझे? शानी ने अपने गले से बामुश्किल आवाज़ निकालते हुए कहा। रिक्शे वाले ने एक बार फिर मुड़कर शानी का जायज़ा लिया। चंद सेकंड बाद उसने दाढ़ी खुजाई और कहने लगा, अगर तुमने कोई जुर्म शुर्म नहीं किया और सचमुच मुसीबत में हो तो मैं तुमको अपने घर ले जा सकता हूँ। कम अज़ कम एक रात तो तुम वहाँ गुजार ही सकती हो। वहाँ मेरी माँ है, बीवी है, बेटी और बच्चे हैं। शानी को एक दफ़ा पहले भी इस तरह की पेशकश हुई थी और वह उस्मानी पर एतबार करके उसके साथ चली आई थी, लेकिन उस्मानी के घर में उसके साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ होने से रह गया था वो नाकाबले बयान था। एक लम्हे के लिए वो लरस गई, मगर दूसरे ही लम्हे लातादाद अंदेशे उसके जहन में घुस गए। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? गली कूचों में लातादाद खतरे रेंग रहे हैं। कोने खुदरों में अनगिनत हवादिस घात लगाए बैठे हैं। बंद दरवाज़ों और खिड़कियों वाले इस बेमहर शहर में एक पहाड़ जैसी रात सर पर है। किसी तारीख कूचे में कोई सिकंदरा कोई कामी उससे टकरा सकता है। किसी नामेहरबा मोड़ पर कोई पुलिस नाका उसके लिए वबाले जान बन सकता है। इस शहर में ना जाने कितने महर जी और कितने अकबर आसेबों की तरह चकराते होंगे। ये रिक्शे वाला उसके पीछे तो नहीं गया था, वो खुद उसके रिक्शे में आकर बैठी थी। वो भला मानस भी लगता था, बाल बच्चेदार। शानी सोच रही थी, वो बोला, देखो तुमने जो भी फैसला करना है जल्दी करो, मेरा टाइम खोटा मत करो। कहाँ है तुम्हारा घर? शानी ने पूछा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, पर एक बात है, मुझे फिर साफ साफ बता दो, कोई पुलिस का चक्कड़ शक्कड़ तो नहीं है तुम्हारा? मैं गरीब बंदा हूँ, इन झमेलों में नहीं पड़ सकता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शानी ने कहा। तो फिर ठीक है, चलें घर। चलो, शानी ने जोर लगाकर अपनी आवाज़ उसके कानों तक पहुँचाते हुए कहा।